Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore. Download the app now. तो सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखा होगा जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये हमारे ठीक पीछे वही वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें विराट बालकनी में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है विराट गॉट एंग्री। विराट कोहली की लड़ाई हो गई वहां पर इंडियन फैंस के साथ। लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, क्या क्या बात हुई, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर दीपक, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, हर जगह ये वीडियो फैल गया है। लेकिन इसकी पूरी कहानी क्लियर नहीं हो पा रही क्योंकि बातचीत उतनी साफ नहीं है ऑडियो इसमें। तो आपको बताते हैं कि कमलेश नागरकोटी बाउंड्री पर कर रहे थे फील्डिंग, जहां पर कुछ इंडियन फैंस बैठे हुए थे। उन्होंने नागरकोटी को चिढ़ाना शुरू किया, उनको बुलाना शुरू किया कि हमारे साथ एक तस्वीर ले लो और उनसे थोड़ी अभद्र भाषा में बात करने लगे, जो विराट कोहली ने सुन लिया। तो फिर विराट कोहली उनसे कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। वहां से ये सिलसिला पूरा शुरू होता है। अब मैं आपको बताती हूं एक एक कर। सबसे पहले फैंस ने बोला विराट कोहली से कि हमने नागरकोटी को बोला कि हमारे साथ एक फोटो क्लिक करवा लो, लेकिन वो करवा नहीं रहे दीपक। जिस पर विराट ने रिप्लाई किया कि आप यहां पर वो मैच खेलने आए हैं या फोटो खिंचवाने आए हैं पहले। उसके बाद फैन कहते हैं कि हम अपनी जॉब छोड़कर आए हैं, इसीलिए कम से कम आकर हमारे साथ फोटो खिंचवा लें। उसके बाद विराट कहते हैं कि आप लोग उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो, क्योंकि विराट वहां पर खड़े होकर सुन रहे थे कि वो किस तरह से नागरकोटी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर फैंस कहते हैं कि हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो सिर्फ उनको बुला रहे हैं, बाउंड्री पर वो फील्डिंग कर रहे थे। जिसके बाद विराट ने बोला कि झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है कि आप लोग क्या बोलकर उनको चिढ़ा रहे हो या बुला रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो। इसी पर विराट को आ गया गुस्सा और उसके बाद उनके अगल बगल जो दूसरे फैंस बैठे थे उनका रिएक्शन था कि बस बस बंद कर दो वीडियो, उनको गुस्सा आ गया है, यानी विराट को। तो ये है पूरा मामला कि विराट कोहली ने अपने एक जूनियर टीममेट के बचाव में आकर फैंस से बहस की और नागरकोटी के पक्ष में बोलते हुए विराट ने इंडियन फैंस को थोड़ा सा फटकार लगाई वहां पर। लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार आप खुद वीडियो देखिए। अभी हमने आपको कहानी बताई कि आखिर कहानी पूरी है क्या, विराट क्यों गुस्सा हुए और किस वजह से गुस्सा हुए, लेकिन आप एक बार ये वीडियो देखिए फिर आपको पूरा मामला समझ में आएगा। तो वीडियो देखा आपने और किस तरीके से जो फैंस थे इस प्रैक्टिस मैच को देखने आए हैं, उन्होंने पहले कहा कि कमलेश नागरकोटी आप आइए हमारे साथ फोटो खिंचवाइए, लेकिन कमलेश नागरकोटी मैच खेल रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं वहां पे, तो उनके पास वक्त नहीं था फोटो खिंचवाने का, वो जाके गेंदबाजी करने लगे, फील्डिंग करने लगे। जिसके बाद जो फैंस थे वो अभद्र भाषा का यूज करने लगे और ऊपर बालकनी से आपने वीडियो में जैसा देखा विराट सब सुन रहे थे और विराट ने वो चीजें सुनने के बाद गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने आके फैंस को बोला कि यार जो आपके कमलेश नागरकोटी हैं वो फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, तो आप उस तरीके से उनको हुटिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों उनके बारे में आप अपशब्द कह रहे हैं। तो फैंस अब बहस करने लगे विराट कोहली से कि नहीं नहीं वो फोटो खिंचवा सकते हैं। जिसके बाद विराट कोहली ने कहा कि वो यहां पहले खेलने आए हैं, फोटो बाद में खिंचवाएंगे। लेकिन इसके बाद जब बहस आगे बढ़ रही थी तो वीडियो को रोक दिया गया। और ऑब्वियस सी बात है दीपक, जब कोई प्लेयर वहां पर बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा है वो उस वक्त फोटो कैसे खिंचवा सकता है आकर। तो नागरकोटी ने उस चीज को लेकर मना किया जो कि वहां पर जो फैंस थे, और अफसोस की बात यह है कि वो इंडियन फैंस थे दीपक, कि उन्होंने फिर उनको गलत तरीके से उनके लिए बातचीत करना शुरू कर दिया जो विराट वहां पर सुन रहे थे, और ऑब्वियसली उनको वो अच्छा नहीं लगा कि एक यंग प्लेयर के लिए इस तरह से वहां पर फैंस बोल रहे हैं। इसीलिए विराट आगे आए और उन्होंने बोला कि मैं सुन रहा हूं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने उनको रुक जाने को कहा और जैसे ही थोड़ा सा बहस गर्मा गर्मी होने लगी वैसे ही उस वीडियो को रोक दिया गया। तो इतनी सी ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। यहाँ से ये भी है ना राशिका कि आप देखिए कमलेश नागरकोटी यंग प्लेयर हैं, वो एज अ नेट बॉलर के तौर पर गए हैं और पहली इनिंग में उन्होंने बॉलिंग नहीं की लेकिन उनको बॉलिंग करने का मौका मिला। एक यंग खिलाड़ी भी प्रेशर में होता है कि यार मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे बॉलिंग करने को मिलेगी और अब मुझे बॉलिंग करना है, तो वो चाहेगा कि मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दूं, जो अपना माइंडसेट है वो पूरा क्लियर रखूं। इस दौरान कई खिलाड़ी इधर उधर ध्यान भटकाना नहीं चाहता, तो ऐसा नहीं है कि यार कमलेश नागरकोटी बहुत बिजी थे। अब आप लोग कहेंगे कि यार 2 मिनट का ही तो वक्त लगता है एक फोटो खिंचवाने में, लेकिन कई बार आप एक इस खिलाड़ी के माइंड जोन को समझिए, वो किस जोन में है, किस तरीके से उसका माइंडसेट है, क्योंकि अभी वो गेंदबाजी कर रहा है तो उसने दिमाग में कुछ चीजें सोच रखी होगी। तो वीडियो आपने देखा और आपको समझ में आया कि आखिर क्या मामला हुआ है और इसके बारे में जो आगे प्रैक्टिस मैच चल रहा है उसकी अपडेट तो आपको स्पोर्ट्स तक पर हम देते ही रहते हैं। एक एक खबरें आपको मिलती है, हार्दिक पांड्या की पीसी
हुई है वो जाके आप फटाफट सुनिए कि आखिर हार्दिक पांड्या ने क्या कहा पीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैसे बातें की उन्होंने, इंडिया के हर एक मैच को इंपॉर्टेंट बताया। साथ ही आप स्पोर्ट्स तक ऐप का जो है डाउनलोड है स्पोर्ट्स तक ऐप को वो फटाफट कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।